हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोनदा केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर सेकंड के बारे में, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किन किन केसेस से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट किया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोगों ने कुछ कंडीशंस देखी थी कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने के लिए या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। मैंने आपको प्रॉपर ढंग से पूरा का पूरा वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जा करके वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको वो सारी जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग इस पर मूव कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ये देख लिया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम होता है उसकी वजह से जीआई किस तरीके से हो सकती है। तो मैंने इसका कुछ एक पॉइंट जो है वो कल डिस्कस किया था लेक्चर के अंदर, तो हम लोग वापस वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होती है इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए। और यहाँ कुछ नोमेनक्लेचर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने सिस और ट्रांस लिखा था, अब ईजेड नोमेनक्लेचर भी मैंने आपको कुछ बताया था तो वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसी के साथ में ये होता रहेगा, हम लोग साथ साथ में क्या करेंगे, सिस ट्रांस भी देखते रहेंगे, ईजेड नोमेनक्लेचर भी देखते रहेंगे। क्लियर? पहले हम लोग ये समझेंगे कि कंपाउंड को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि अगर हमारे पास में डबल बॉन्ड है तो उसमें किस किस तरीके से एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, और मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जिस केस को स्टडी करेंगे हम उसी को पॉइंट मतलब उस वही हमारा पॉइंट होगा, हम उसी की वजह से जीआई को चेक कर रहे होंगे। अब दूसरे वजह से अगर वो मान लो दूसरे केस के अकॉर्डिंग उसमें जीआई और हो रही है तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, अभी के लिए नेग्लेक्ट करेंगे, अभी के लिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हमारे सारे के सारे जीआई के केस कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसके अंदर हम लोग सारे जो केसेस हैं उनको कंबाइन करके क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग, ठीक है, और जो जो आपको एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं उनको पूरा तरीके से आपको नोट करना है और आपको अच्छे तरीके से इन सबको लिखना है, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स हम लोग वापस आगे रिपीट करेंगे। देखो, अगर हम बात करें कि ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो मैंने आपको बताया था कि जीआई की कंडीशन क्या होती है कि जो भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है उसके जो दोनों टर्मिनल होते हैं वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ ए, यहाँ लिखूँ बी, यहाँ लिखूँ मैं ए और यहाँ लिखूँ बी, ये इस तरीके का एक सिस्टम होना चाहिए। इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर ली है तो हम इस पर ज़्यादा वापस डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कंडीशन यहाँ पे जीआई के लिए होगी। तो ये दोनों टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल पर दो डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं आपको, यानी यहाँ एक दिख रहा है ए और दूसरा क्या दिख रहा है बताओ, बी। यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी बी दिख रहा है, सही है, यानी कि ये जीआई शो करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो बताओ क्या होता है, सिस, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसको आप क्या बोलते हो, ट्रांस बोलते हो। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप आइसोमेरिज्म को पढ़ें तो आप क्या करें, जो भी आप लोग को पॉइंट बोले जाते हैं ना उनको अपनी ही लैंग्वेज में लिखें। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहते हैं, टेक्निकल डेफिनेशंस लिखना चाहते हैं या टेक्निकल लाइंस लिखना चाहते हैं, जो भी, उसमें क्या होता है कि फिर जब आप उसको रिवाइज कर रहे होते हैं तो आपको कुछ एक वर्ड जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जब अगर आप वैसे देखो आपको कोई रूल नहीं पूछा जाता कि डिफाइन सिस एंड ट्रांस, है ना, कभी क्वेश्चन नहीं आता, ना तो बोर्ड एग्जाम में आता है ना ही इलेवंथ क्लास के एग्जाम, मतलब किसी भी एग्जाम में थ्योरेटिकल आपसे नहीं पूछा जाता कि डिफाइन सिस एंड ट्रांस, डिफाइन ईजेड नोमेनक्लेचर या राइट डाउन द रूल्स ऑफ ईजेड नोमेनक्लेचर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ कि आप जब भी इन रूल्स को लिखें, जैसे आईयूपीसी के रूल कभी नहीं पूछे जाते, कभी देखा है आप लोगों ने किसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि राइट डाउन द रूल्स ऑफ आईयूपीसी, तो नहीं पूछे जाते ना। हाँ, अगर ऑप्शन में सीक्वेंस वाइज आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीक्वेंस चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि जो चीज़ें नहीं पूछी जाती टेक्निकल लैंग्वेज में हमें उसको नहीं लिखना है, हम अपने ही लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि जब हम उसको रिवाइज करेंगे तो हम उसको बहुत ईजिली वापस चीज़ें समझ पाएंगे। नहीं तो जब मैं टेक्निकली लिखवा दूंगा तो आप उन्हीं लाइन में कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो इससे बढ़िया आप अपने ही पॉइंट में लिखें। तो मैं ईजेड के रूल्स आपको सीधा डायरेक्ट जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मल पॉइंट्स में मैं बताऊँगा। जो बुक की लैंग्वेज होती है वो तो आप बुक में पढ़ सकते हो, सही है, तो बुक में पढ़ने से समझ में नहीं आता, तभी तो हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, सही है। चलो, हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये जीआई शो करेगा, ये क्लियर है।
अब अगर आप यहाँ पे देखो तो सेम ग्रुप सेम साइड है, तो बताओ सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो सिस होता है, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो ट्रांस होता है। यानी कि मैं इसके दो आइसोमर बना सकता हूँ, एक तो ये बनेगा, इसको हम लोग लिखेंगे सिस, और एक बताओ क्या बन सकता है, एक ये बन सकता है। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए की जगह आएगा, बी बी की जगह आएगा ए, और इस तरीके से यहाँ बताओ क्या आएगा बी, यहाँ क्या आएगा ए। क्या ये स्विचिंग करने से आते हैं? नहीं, ये बॉन्ड तोड़ने से आते हैं। आपको बॉन्ड हटाना पड़ेगा, एक को बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, बी की जगह लगाना पड़ेगा, बी को एक लगा ए की जगह लगाना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका ट्रांस। तो दो स्ट्रक्चर बनी, सिस और ट्रांस, क्लियर है। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, ये सिंपल सी डेफिनेशन है या सिंपल सी कंडीशन है इसकी, जो आपको ध्यान में रखनी है। अब अलग अलग टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स कैसे हमें पूछे जा सकते हैं, हम उसमें कैसे चेक करेंगे, तो वो हम लोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे और सिस और ट्रांस आप लोग खुद से बना लेंगे। तो मैं अभी के लिए एकदम बेसिक से एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ। मान लो मैंने लिखा यहाँ H, मैंने यहाँ H लिखा, मैंने यहाँ D लिखा, मैंने यहाँ D लिखा। बताओ क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? बहुत सिंपल तरीके से ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा, तो हम लोग लिख देंगे शो GI। अगला एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल नंबर टू है हमारे पास में, मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखा, मैंने यहाँ फ्लोरीन लिख दिया, मैंने यहाँ Cl लिख दिया, मैंने यहाँ Cl लिखा और मैंने यहाँ फ्लोरीन लिखा, तो ये GI शो कर रहा है, ये शो GI, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने यहाँ इस तरीके से CH3 लिखा, मैंने यहाँ पे H लिख दिया, मैंने यहाँ इस तरीके से CH3 लिखा और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बताओ H, तो ये भी शो कर रहा है, सिंपल सी बात है, इट विल शो GI, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्या ये सर बहुत सिंपल सिंपल सा एग्जाम्पल कर रहा है, रुको आप लोग, हम लोग धीरे धीरे अच्छे एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे, एक बार के लिए बेसिक क्लियर हो जाए फिर हम लोग डिस्कस करें। अब देखो मैंने आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया, बताओ क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा, करेगा क्या? तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी के लिए एक बार ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग रुकते हैं। ये वैसे GI शो करेगा, मैं आपको बताऊँगा, अभी के लिए हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, नॉर्मल जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये अगर मैं लिखूँ यहाँ OCH3, यहाँ मैंने लिख दूँ BR, और यहाँ मैं लिख दूँ मान लो CL, और यहाँ मैं लिख दूँ मान लो H, ठीक है। अब यहाँ आपको पता करना है कि क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा। तो ये मॉलिक्यूल GI तो बिल्कुल तरीके से शो करेगा, मैंने आपको बताया था ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों भी डिफरेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरीके से सेम होने चाहिए। सेम ग्रुप सेम साइड, सिस एंड अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सिस ट्रांस डिफाइन नहीं करा जा सकता। तो इसके लिए हम लोग EZ नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको EZ नोमेनक्लेचर थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से करते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल होता है EZ नोमेनक्लेचर का। EZ नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास में जो ग्रुप्स होते हैं हर एक टर्मिनल पर, हम ग्रुप की प्रायोरिटी देते हैं। जैसे सपोज कि ये हमारा टर्मिनल है, तो मैंने यहाँ पे दो देखो ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक CL है, मैं हाइड्रोजन और CL की प्रायोरिटी दूंगा। प्रायोरिटी कैसे देंगे? तो सबसे बेस्ट रूल है, सबसे पहला मेथड जो आता है हमारे पास, कि अगर आपके पास में दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं एक टर्मिनल पर, तो आप क्या करेंगे, उनका एटॉमिक मास चेक कर लेंगे या एटॉमिक नंबर चेक कर लेंगे। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो CL का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी आएगी। बस बहुत सिंपल, इसमें देखो यहाँ ऑक्सीजन और BR, बताओ किसका ज़्यादा होना चाहिए? BR का ज़्यादा होना चाहिए, बस बहुत सिंपल, एटॉमिक मास BR का ज़्यादा होता है। देखो सेम प्रायोरिटी सेम साइड आ रही है, तो मैंने कहा है आपको कि दो हमारे पास में टाइप होते हैं, एक तो होता है E और एक होता है Z, ठीक है। अब इसका पूरा नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, E का मतलब एंटीजन होता है, Z का मतलब जुसमैन होता है, बट वो आपको कभी याद नहीं करना, ना तो कभी पूछा जाएगा, आपको E और Z से मतलब है। अब E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, और Z का मतलब क्या होता है? सेम प्रायोरिटी सेम साइड, ठीक है। तो देखो सेम प्रायोरिटी सेम साइड है, तो आप लोग इसको क्या लिख देंगे? Z लिख देंगे, ठीक है। कई बार आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा यार E होगा कि Z होगा, पता नहीं चलता, भूल जाते हैं हम लोग। तो एक सिंपल सा तरीका है जो जिस तरीके से मैं पता करता हूँ, देखो Z के अंदर देखो दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड जा रहे हैं ना, और E के अंदर अगर आप देखो दोनों सेम साइड जा रहे हैं, तो इसका जस्ट उल्टा कर देना। अगर Z में दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड जा रहे हैं, इसका मतलब कि है ना, यहाँ देखो दोनों अपोजिट है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे इस Z तभी होगा जब दोनों सेम होंगे, और E तभी होगा जब दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सेम ग्रुप सेम साइड Z, सेम ग्रुप अपोजिट साइड E आ जाएगा, क्लियर है। बहुत सिंपल है, अभी हम लोग रूल नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप लोग के लिए अभी रुकना पड़ेगा आपको, अभी हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल करा है, ज़रूरी नहीं है ऐसे एग्जाम्पल आपको मिले। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसी से अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। सपोज कि मैंने यहाँ इस तरीके से डबल बॉन्ड लिखा, बताओ ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि देखो ये जो टर्मिनल है यहाँ हमें क्या देखने को मिलेंगे बताओ, हाइड्रोजन। और जब यहाँ दोनों सेम ग्रुप आ जाएंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे, नो जीआई, यानी यहाँ कोई भी जीआई नहीं होगी। इसी तरीके से सिमिलर एग्जाम्पल नंबर अगर हम 6 कंसिडर करें तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, मैंने ये लिखा है, मैंने यहाँ इस तरीके से लिखा है, बताओ क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। तो ध्यान से देखना, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड जीआई नहीं करेगा, तो मैं इसको क्रॉस लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो टर्मिनल एल्कीन होती है वो टर्मिनल एल्कीन कभी जीआई शो नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ सेम ग्रुप है। अगर यहाँ पे दूसरे सब्स्टिट्यूट लगाए गए हैं तो ये आराम से कर सकती। अगर मैं इसकी बात करूँ है ना, इसकी ये आराम से कर सकता है, कैसे करेगा? देखो एक यहाँ से मिथाइल निकला, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला, एक यहाँ से बड़ा सा ग्रुप निकला और एक यहाँ से ये हाइड्रोजन निकला, सही है क्या? तो इसका मतलब यहाँ से जीआई होगी। तो अगर किसी कंपाउंड में एक भी साइड से जीआई हो रही है तो वो पूरा मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, सही है क्या? चलो एग्जाम्पल नंबर 8 की अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो 7 आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, ध्यान से देखें आप लोग, आपको कुछ ऐसा दिया गया, बताओ क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? ये इसके रेस्पेक्ट में नहीं करेगा, ये इसके रेस्पेक्ट में भी नहीं करेगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ज़रूर करेगा, यानी यहाँ से जीआई हो रही होगी। अगर यहाँ से जीआई हो रही है तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा बताओ, इट विल शो जीआई। कैसे करेगा? देखो ये वाला कार्बन पकड़ो, इस कार्बन से ये वाला बड़ा सा ग्रुप, एक हाइड्रोजन निकलेगा। ये वाला कार्बन पकड़ो, इस कार्बन से ये वाला बड़ा सा ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, सही है। सिस ट्रांस भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये क्या करेगा, इट विल शो जीआई। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करें अगर हम, तो मैंने आपको दिया कुछ इस तरह के कंपाउंड, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों के तीनों जो ये एल्काइन्स है, मतलब आपके पास में एल्कीन्स है नॉट एल्काइन्स, ये तीनों के तीनों एल्कीन्स जो है वो टर्मिनल है, तो अगर ये टर्मिनल है तो ये शो नहीं करेगा, तो आप लोग लिख देंगे नो जीआई। अगला एग्जाम्पल देखें आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 9। सो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ इस तरीके से दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग, मैंने आपको दिया कुछ इस तरीके का कंपाउंड। अब हम लोग साइक्लिक रिंग में चले जाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, और मैंने यहाँ लिखा CL, मैंने यहाँ लिखा BR। सुनना सभी लोग ध्यान से, चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ CL लिख देता हूँ। अगर आपको ऐसा ग्रुप दिया जाता है, अब यहाँ से इस वाले कंपाउंड में दो साइट हैं जहां से जीआई हो सकती है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको एक ही साइट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये डबल बॉन्ड है। अभी हम लोग सिर्फ डबल बॉन्ड का केस कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम डबल बॉन्ड वाला ही पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम सिस्टम बढ़ाते जाएंगे फिर आगे जा करके हम मॉलिक्यूल्स में सब साइट को डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के किसी एक टर्मिनल पर रिंग अटैच्ड हो, तो उसमें क्या करना है, रिंग में आपको दो चक्कर लगाने हैं, ठीक है? क्या करना है, दो चक्कर लगाने, ठीक है? अब दो चक्कर लगाने के लिए आप अकेले नहीं लगा सकते, आपको दो आपके या आपका दोस्त होना चाहिए एक साथ में, एक आप होगे एक आपके दोस्त होगे। आपको क्या करना है, एक को क्लॉकवाइज भेजना है और एक को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज भेजना है। ये एंटी क्लॉकवाइज हो जो भी है ना, आपको ये याद नहीं रखना, एक को क्लॉकवाइज भेजना है, एक को एंटी क्लॉकवाइज भेजना है, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी बनता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, आप इधर से भेजेंगे एक आदमी को, एक आदमी को इधर से भेजेंगे। जब जैसे मान लो मैं आदमी बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, ठीक है, इसके इस तरीके से बाल आए हैं, तो ये है आपका आप और ये आपके दोस्त। तो आप इधर से जा रहे हो, देखो जैसे ही आप जाओगे बताओ पहला ही क्या दिखेगा आपको, CH2 दिखेगा। आपने दोस्त को भेजा, उसको CH2 के साथ कौन दिख रहा है, CL दिख रहा है। यानी कि जब दोनों तरफ से एनवायरनमेंट अलग अलग आते हैं, दोनों तरफ से ग्रुप अलग अलग आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ जो है वो जीआई हो सकती है, तो ये जीआई शो करेंगे, ठीक है। अगर दोनों साइड सेम आ जाता तो जीआई नहीं होती। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में आपको कुछ इस तरीके से दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ डबल बॉन्ड लगा रखा है मैंने, और मैंने यहाँ CL और BR लिख रखा है, और मैंने यहाँ CL लिख दिया, मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, CL, सही है। अब तो देखो देखने में पता चल रहा है,
अब वापस से आप क्या करोगे, ऐसे चक्कर लगाओगे, ऐसे चक्कर लगाओगे। जाते ही आपको कौन दिखा, सी एच के साथ में सी एल, जाते ही यहाँ पे सी एच के साथ में सी एल दिखा, सही है क्या? दोनों तरफ सेम चीज़ें दिख रही है, इसका मतलब ये जी आई शो नहीं कर सकता, तो इसके पास में क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं नो जी आई। क्या लिखेंगे? नो जी आई। क्या आपको ये सब चीज़ें क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये सब चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी तो 10 एग्जांपल्स ही हुए हैं, अभी हम और एग्जांपल्स को करेंगे, तब तक के लिए आप फटाफट इन एग्जांपल्स को नोट कर लें और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें कि हम मैंने आपको कौन कौन से तरीके बताए हैं। क्लियर है? नहीं याद रहते हैं तो उसके जस्ट पास में आप लोग अपनी ही लैंग्वेज में हिंदी और इस तरीके से जो भी इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं आप लोग, उसको आप लोग लिख लें। क्लियर है? तो फटाफट से आप लोग इसको नोट करें, फिर हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं और इनको आप लोग ध्यान से देखेंगे और खुद ब खुद आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो साइक्लिक रिंग ली थी वो तीन कार्बन की थी, तो हमने 10 एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं, 10 एग्जांपल्स हम लोग और कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 11 हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से, मान लो जैसे मान लो आपको ये दिया गया, ठीक है, और मैंने कुछ आपको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ सी एल लिख दिया, मैंने यहाँ बी आर लिख दिया, मैंने यहाँ सी एल लिख दिया, मैंने यहाँ बी आर लिख दिया, क्या बताओ ये जी आई शो करेगा? तो सिमिलर हम वही मेथड को यूज़ करेंगे, तो ये भी क्या करेगा, इट विल शो जी आई। क्या बात सही है कि आपको? तो देखो बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं, एक बार आपको तरीका समझ में आ गया तो आप इसको ईजिली जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, मान लो कि आपको ये दिया गया, ठीक है, डबल बॉन्ड, और यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया, और यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लिखा है, और यहाँ मैंने लिख दिया CH2CH3, और मैंने यहाँ लिख दिया है मान लो BR। तो बताओ क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? और अगर ये GI शो कर रहा है तो ये कितनी साइड से GI शो करेगा? तो देखो अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो GI शो करेगा, तो मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। ये वाला डबल बॉन्ड GI शो नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल है, और मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल एल्कीन जो है वो जी आई शो नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम एग्जांपल नंबर 13 कंसिडर कर सकते हैं। सो एग्जांपल नंबर 13 हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, सपोज़ करें कि आपको कुछ ऐसा दिया गया, यहाँ डबल बॉन्ड लिखे हुए, और यहाँ मैंने सी एल और यहाँ मैंने बी आर लिख दिया, यहाँ सी एल है और यहाँ सी एल है, यहाँ बी आर जोड़ दिया, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दी गई। क्या ये मॉलिक्यूल जी आई शो करेगा? तो ये बिल्कुल तरीके से जी आई शो करेगा। ये वाला आपका सिस्टम है पूरा का पूरा, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो, पहले CH2Cl या CHCl जो भी, यहाँ पे भी Cl दिख रहा है, यानी कि दोनों तो सेम आ रहे हैं। तो आप आगे चलें, आप तब तक चक्कर लगाएंगे जब तक कि दोनों, जब आप और आपका फ्रेंड दोनों एक जगह आकर के नहीं मिल जाते। तो देखो यहाँ से अगर आप चक्कर लगाएंगे तो इस कार्बन से Cl जुड़ेगा, इस कार्बन से Cl जुड़ेगा, सेम दिख रहा है। फिर आगे चलो, यहाँ पे कार्बन पर Br होगा, यहाँ कार्बन पर कुछ नहीं होगा, तो ये GI शो करेगा। तो इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं इट विल शो GI, इसमें भी आप लोग क्या लिख सकते हैं इट विल शो GI। क्लियर है क्या आपको? इसी तरीके से एग्जांपल नंबर मैं अगर 14 की बात करूँ, तो मान लो कि आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दिया गया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और आपसे पूछा गया क्या ये तीनों जो डबल बॉन्ड है वो GI शो करेंगे? तो बिल्कुल तीनों डबल बॉन्ड एक जो है वो GI शो करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो कि ये GI शो करेंगे, तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो ये क्या करेंगे, इट विल शो GI। एग्जांपल नंबर 15 की अगर मैं बात करूँ, तो एग्जांपल नंबर हमारे पास में है 15, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, सपोज यहाँ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रुप लगा दिए, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कुछ इस तरीके के कंपाउंड लिख दिया, और मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ इस तरीके का कंपाउंड लिख दिया, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ मान लो ऐसे हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आप लगा के दिया है कुछ इस तरीके से, और सपोज करो कि कुछ ऐसा लगा दिया, ठीक है। अगर मान लो ऐसे ग्रुप्स अगर आपको दिए जाते हैं, तो आप जो है वो किनको किस तरीके से आप बताएंगे कि जो है आप जी आई शो करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जी आई पूरा तरीके से शो करेगा, ठीक है, क्योंकि देखो इधर दोनों अलग अलग है, इधर भी दोनों अलग अलग है, तो ये जी आई शो करेगा, सही है।
अब देखो इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आप सिस ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो आप इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? ईजेड नॉमनक्लेचर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ प्रायोरिटी रूल लगेगा। अब प्रायोरिटी रूल क्या होता है, किस तरीके से देखते हैं, तो मैंने ये सोचा है कि हम लोग जो ईजेड नॉमनक्लेचर है उसका एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। ठीक है, हम ईजेड नॉमनक्लेचर का पूरा एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बातें करेंगे, ईजेड नॉमनक्लेचर। तो उससे क्या होगा कि उससे दो फायदे हो जाएंगे आपके। एक तो आपके जो है ईजेड वाले एग्जांपल्स कवर हो जाएंगे, दूसरा उसी के साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कवर होती रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ईजेड नॉमनक्लेचर जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको आता है ईजेड नॉमनक्लेचर तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि ये मॉलिक्यूल ई होगा या फिर जेड होगा, सही है। चलो एग्जांपल नंबर अगर मैं बात करूँ 16 की, तो एग्जांपल नंबर 16 में हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है कुछ, मान लो हम इसमें बना सकते हैं, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और मैंने यहाँ लिखा है CN, और मैंने यहाँ लिख दिया COOH, और मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा है डबल बॉन्ड, और यहाँ मैंने लिख दिया है BR, और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखा है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है CL, सही है। तो आपको ये बताना है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कितने सिस्टम से या कितना है ना ये GI शो करेगा। तो ये वाला तो GI शो करेगा, क्लियर। ये वाला भी देखो GI शो करेगा, क्योंकि एक BR आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, और ये पूरा ग्रुप, ये वाला भी GI शो करेगा, क्लियर। तो ऐसे अच्छे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। एग्जांपल नंबर 16 के बाद अगर मैं बात करूँ 17 की, तो 17 में आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। सपोज करें कि आपको दिया गया है ये वाला, यहाँ आपको डबल बॉन्ड दिया गया है, और इसी के साथ में आपको कुछ इस तरीके का ग्रुप दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ BR लिखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ CA लिखा हुआ है, ठीक है क्या। तो आपको ये बताना है कि क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा या नहीं करेगा। तो फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताएं। एग्जाम्पल नंबर 18 को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो आपको कुछ ऐसा दिया गया, सपोज ठीक है, आपको ये इस तरीके से दिया गया, और अगला जो एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसा दिया गया। चलो ये एक बार एग्जांपल है। अब बताओ आप लोग पहले वाला क्या अगर GI शो करेगा, तो ध्यान से देखें आप लोग। अगर आप लोग इससे देखेंगे तो यहाँ से जाओगे तो क्या मिलेगा, CH2 CH2, फिर CH2 फिर CH2, सेम कार्बन पर आपको Cl मिलेगा। यहाँ CH2 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 CH2, सेम कार्बन पर आपको क्या मिलेगा, BR मिलेगा। यानी कि इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यहाँ कोई GI नहीं होगी, तो नो GI, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको दोनों बॉन्ड को चेक करना है। इस वाले बॉन्ड के थ्रू तो ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल है और एक क्या आएगा बताओ, हाइड्रोजन। अगर मैं इस वाले बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो ये वाला GI नहीं कर सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे एक मिथाइल और दूसरा भी मिथाइल, तो यहाँ सिर्फ एक ही सेंटर से GI होगी, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा होगा, ये GI शो कर रहा होगा, सही है क्या। इसी तरीके से मैं एग्जांपल नंबर 19 की अगर मैं बात करूँ, तो एग्जांपल नंबर 19 हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो मैंने इस तरीके से लिखा आपके लिए, और यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड बनाऊँ कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ इस तरीके से बना दिया जाए, ठीक है क्या, और मैंने यहाँ इस तरीके से बना दिया एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, और ये तीसरा डबल बॉन्ड, ये फोर्थ यहाँ मैंने बना दिया, और इसमें मैंने इस तरीके से BR जोड़ दिया है, और इसी तरीके से मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ CL जोड़ दिया, यहाँ पे भी क्या जोड़ दिया मैंने, CL जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया है, हाइड्रोजन जोड़ दिया इस तरीके से। तो क्या ये सारे के सारे डबल बॉन्ड GI शो करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से GI शो कर रहे होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, GI शो कर रहे होंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है। अब मैं आपको एक और एक अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उसके लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये वाले एग्जाम्पल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए, नहीं करें तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है क्या। चलो लास्ट एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 आपको दिया गया है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर इससे हम लोगों ने दो बनाए कुछ इस तरीके से, CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ मैंने जोड़ा है CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इस तरीके से यहाँ जोड़ा गया है CH डबल बॉन्ड CH CH3, और मैंने यहाँ इस तरीके से जोड़ा है CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ मैंने जोड़ दिया है CH3। आपको ये बताना है कि इसमें कितने
सिस्टम होंगे, यानी कितने पाई बॉन्ड्स हैं जो क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर आप इसको जल्दबाजी में सॉल्व करेंगे तो आप सिर्फ इसी को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए, देखो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि इट विल शो जी आई और नॉट, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। तो हम लोग जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अभी के लिए तो आप देखो आराम से देख के बता सकते हो, ये वाला जो है ये सिस्टम कभी जी आई शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये सेम है, ये और ये सेम है। लेकिन अगर आप इन दो सिस्टम को चेक करें तो यहाँ से जी आई हो सकती है, यहाँ से भी जी आई हो सकती है, यहाँ से भी जी आई हो सकती है, और यहाँ से भी जी आई हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैंने पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो उसमें क्या होता है कि कई बार या तो जल्दबाजी में आप इसको काउंट कर लेते हो या फिर किसी एक को छोड़ देते हो, तो आंसर आपके गलत हो जाते हैं, क्लियर है। तो ये 20 एग्जांपल्स हैं जो कि एक हमने फर्स्ट केस डिस्कस करा है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम ईजेड नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। ईजेड नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जो आपके पास में रिंग की वजह से किस तरीके से जी आई होती, तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपके हर एक डाउट जो है वो क्लियर हो सके। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के किसी भी केस से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर आकर के हमें DM कर सकते हैं। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसमें शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।